हम आपको बता दें कि अब सारी इस्तकबालिया कार्रवाई और तमाम मेहमानान को जो आह्वान आना जाना था वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ मुशायरा होगा, शायरी होगी और आपकी दादो तहसीन और शायर यहाँ से अपना कलाम पढ़ेंगे। एक मरतबा तालियाँ बजा दें जनाब अर्जुन सिंह साहब की याद में, जो इस मुशायरे को जिन लोगों ने इसका इनेकाद किया है उन सब के लिए, अदब नवाज़ों के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ जो इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भोपाल सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता है और आज का ये मुशायरा इकबाल मैदान पर इसका इनेकाद किया गया है अर्जुन सिंह साहब की याद में। अल्लामा इकबाल के ये मिसरे फिर मुझे याद आते हैं कि चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन को अपना वतन बनाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। चमके थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताप दे के जिसने चमकाए कहकशां से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। दोस्तों आइए हिंदुस्तान के इस खूबसूरत शहर भोपाल की इस खूबसूरत मुशायरे में अब अपना कलाम पेश करेंगे जनाब आरिफ आफ्ताब आरिफ साहब। उनको कहीं जाना है, हालांकि ये उनका मकाम और उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है, उन्होंने हमसे गुजारिश की है, तो हम आफ्ताब आरिफ साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए, मतलब पेश खिदमत है। जख्मों को खुश्क पेड़ों के छूकर हरा किया, जख्मों को खुश्क पेड़ों के छूकर हरा किया, कुछ जानती है बादे सबा तूने क्या किया। हाय हाय, जानती है बादे सबा क्या कहने हैं सर। और शेपा के तेरी आंखों की ख्वाबों को पर लगे, शेपा के तेरी आंखों की ख्वाबों को पर लगे, मैं आसमान सर पे उठाए उड़ा किया। मैं आसमान सर पे उठाए उड़ा किया और मौसम के साथ उड़ गए कुर्बानियों के रंग, मौसम के साथ उड़ गए कुर्बानियों के रंग, कुर्बानियों के रंग। हमने अगर भला भी किया तो बुरा किया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मौसम के साथ उड़ गए कुर्बानियों के रंग, हमने अगर भला भी किया तो बुरा किया। और गर्दन पे मसलहत की लिखा खूने आरजू, गर्दन पे मसलहत की लिखा खूने आरजू, रोए न पीटे हम ना बखेड़ा खड़ा किया। गर्दन पे मसलहत की लिखा खूने आरजू, रोए न पीटे हम ना बखेड़ा खड़ा किया। और उतरे ना आसमां से सितारे जमीन पर बादल उठा तो आंख में पानी भरा किया। बादल उठा तो आंख में पानी भरा किया। और ये आखिरी शेर के, कुछ दिन से दिल बजिद है कि जी भर के रोइए, कुछ दिन से दिल बजिद है कि जी भर के रोइए, हंस हंस के जिंदगी का बहुत सामना किया। बहुत अच्छे, कुछ दिन से दिल बजिद है कि जी भर के रोइए, कुछ दिन से दिल बजिद है कि जी भर के रोइए, हंस हंस के जिंदगी से का बहुत सामना किया। शुक्रिया। क्या कहने हैं साहब, क्या कहने है?